दोस्तों, जो एथलीट्स हैं, जो जंतर मंतर में, जो भारत के जितने भी एथलीट्स हैं, जो जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हुए थे, और वो जंतर मंतर में, जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि उनका मांग था कि जो बृजभूषण सिंह है, जो कि जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है कि उन्होंने जो कई सारी जो एथलीट्स हैं उनके साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की है, इसलिए जो है उनके ऊपर जो है FIR था, उन्हें जो है अरेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन जो है एथलीट्स को जो है अरेस्ट किया गया है, और बृजभूषण सिंह, जिनको बृजभूषण सिंह जो कि BJP के सांसद भी हैं, बृजभूषण सिंह, बृजभूषण सिंह, और ये जो एथलीट्स जो कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जो भारत में कई सारे जो विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, जो साक्षी मलिक, जैसे जो वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जो है 28 मई को जो अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट उन्हें वहाँ से जो जंतर मंतर है वहाँ से क्यों हटा दिया गया, यानी जो है उन्हें जो जंतर मंतर है वहाँ से उन्हें हटा दिया गया, और इसलिए जो विनेश फोग जो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, और जो है विनेश फोगाट, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब हम आज शाम 6 बजे वो जो है हरिद्वार, यानी आज शाम 6 बजे हरिद्वार में जाकर, जो हरिद्वार में जाकर जो है वो अपने जितने भी मेडल्स, जो कि ओलंपिक्स में जितने भी मेडल जीते हुए हैं, उस मेडल को जो है वो गंगा नदी में बहा देंगे, यानी गंगा नदी में वो डाल देंगे, गंगा नदी में बहा देंगे। और उसके बाद से जब वहाँ से आएंगे, तो उसके बाद से जो है इंडिया गेट तक आएंगे, यानी इंडिया गेट तक आएंगे, और इंडिया गेट तक आने के बाद से जो है वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, यानी बहुत बड़ा कदम लिया जाने वाला है, यानी भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहाँ से आने के बाद से जो है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन आखिर जो है उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, 28 मई को क्या हुआ था, क्या पूरा मामला हुआ था 28 मई को, तो उसे हम देखेंगे। 28 मई को जो 28 मई को क्या हुआ था, 28 मई को जो नया पार्लियामेंट, यानी हमारा जो नया संसद भवन है वो बन के तैयार हो गया था, और उसका इनोग्रेशन करना था, यानी उसका जो उद्घाटन करना था। इसलिए जो जो वहाँ था एथलीट्स जो कि जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका उनका कहना था कि हम जो न्यू पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर जाकर जो है हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर जाके हम जो है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो है प्रदर्शन करेंगे। इसी कारण से दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए हम वहाँ पर आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी है। लेकिन जो एथलीट्स हैं वहाँ पर बार बार जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पुलिस और जो एथलीट्स है इनके ऊपर काफ़ी, इनके बीच जो है काफ़ी झड़प देखा गया। इसलिए जो पुलिस का कहना है कि इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट किया, इसलिए हमने जो है उन्हें जो है अरेस्ट कर लिया। और जो दिल्ली पुलिस है उनका भी सफाई वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए हमने पहले भी उनसे कहा था कि जो वो नए पार्लियामेंट की तरफ ना जाए, वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सही है प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो है वो पार्लियामेंट की तरफ ना जाए, क्योंकि आप पानी के कहेंगे, पानी खाना हर चीज़ की सुविधा हम दे रहे थे, हर चीज़ की सुविधा दे रहे थे, लेकिन हम उनके कहा गया था कि आप पार्लियामेंट की तरफ ना जाए, लेकिन बार बार वो पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट किया, इसलिए जो है हमने उनको अरेस्ट किया। लेकिन और उनके ऊपर जो है कई सारी धाराएं लगाई गई है, और जो है उनका कहना है जो इसलिए जो विनेश फोगाट और जो बजरंग पूनिया और जो थी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक है, इन्होंने कहा है कि अब हमारे ऊपर मेडल का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए हम इस मेडल को जो है हरिद्वार में जाकर गंगा नदी में आज शाम 6 बजे जो है हम इसे जो है गंगा नदी में बहा देंगे, यानी गंगा नदी में बहा देंगे, और उसके बाद से हम जंतर मंतर जो दिल्ली इंडिया गेट पर जाकर जो है हम जो है वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, यानी भूख हड़ताल करेंगे। और उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने कहा कि देश में जो है एथलीट्स का कोई महत्व नहीं रहा है, और जो है जो बृजभूषण सिंह, यानी बृजभूषण सिंह है, उनको अरेस्ट करने के बजाय पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है। बृजभूषण सिंह जी ने अरेस्ट करने के लिए 7, जिनके ऊपर एफ आई आर करने के लिए लगभग 7 दिन तक लगा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से जो है इन्हें FIR किया गया, और हमारे ऊपर जो है एक ही दिन में जो है FIR कर दिया गया। ये जो है कहाँ की नाइंसाफ़ी है, और हमें किस तरह से जो है क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और हमने जो है जो विदेशी दोस्तों से जो हमने जो ओलंपिक्स को जो मेडल जीता है, अब हमने भी सोच रहे हम भी सोच रहे हैं कि आखिर जो है उस मेडल को हमने क्यों जीता है,
अब हमारे ऊपर जो उस मेडल का कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए हम इस मेडल को जो है हरिद्वार में जाकर जो है इसे गंगा नदी में हम समर्पित कर देंगे। और कुछ बड़ा करने वाले एथलीट्स हैं और वो इंडिया गेट तक जाकर जो है वो जो भूख हड़ताल करने वाले हैं। आगे देखना होगा क्या होता है, क्या वो एथलीट्स जाते हैं, क्या वो जो है जो अपने जो मेडल हैं, जो इतने मेहनत मशक्क़त से जो मेडल जीते हैं, उसको क्या गंगा नदी में बहाते हैं, क्या होता है और आगे क्या निर्णय लिया जाएगा और जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।